तो भाई यहाँ पे जाना बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि ये बहुत अंधेरा और ये आई थिंक बंद कर रखा है, और यहाँ से तो मैं किसी को सलाह भी नहीं दूंगा जाने। इतने जगह में फैली हुई जगह है कि भाई मैं जितना बोलूंगा ना। सो वेलकम दोस्तों माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों आज हम आए हैं हुमायूं के मकबरे में। सो दोस्तों आज यहाँ चलते हैं, देखते हैं कितने की इंडियंस की एंट्री और फॉरनर की कितने की एंट्री और कहाँ से आना है कैसे जाना। तो दोस्तों सारी चीज़ आपको दिखाते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे कैसे एंट्री होगी, क्या टाइमिंग रहने वाली है, ये भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो भाई फाइनली ये है हुमायूं मकबरा। तो दोस्तों यहाँ से जाना है हमने अंदर। अंदर जाते ही सामने से टिकट लेनी जो 40 रुपये की टिकट है। तो भाई लोग आपको दिखा देते हैं किस तरह की टिकट। तो इस तरीके का कुछ टिकट रहने वाला है, तो आप प्राइस खुद देख सकते हैं। तो भाई इस तरह का टोकन मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ से अंदर जाने दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो भाई कितना धांस हुआ है लुक इसका, कि मज़ा आ जाए, दिल खुश हो जाए बंदे का। और दोस्तों आप खुद देखो जरा, यहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं गाइस। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाहर के लोग बहुत आते हैं। तो भाई ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट इनके बारे में इनको सब बताया जाता है कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है। और दोस्तों बड़ी शांति जगह है सही बताऊँ आपको तो, और मज़ेदार जगह है। आई डोंट थिंक सो, मुझे एक्चुअली मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ और मैं ही आज तक यहाँ नहीं आया, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो दोस्तों व्लॉग बनाने के काम से, तो दोस्तों इस बहाने मैं भी आया, तो सीरियसली मुझे भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे भी बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो चलते हैं दोस्तों अपनी साइड। तो भाई लोग ये देखो, इसके बारे में ये बेसिकली कुछ होता होगा पहले के ज़माने में, हमें नहीं पता, ये पुराने बने हुए किले हैं। तो दोस्तों वहाँ भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया तरीके से है, देख रहे हो, वाकई में बड़ी शांति जगह है भाई। यहाँ पे घूमने फैमिली के साथ आ सकते हो, देखने लायक जगह है वो। देखो वहाँ पे टूरिस्ट भी जाके अंदर जाके घुस रहा है। तो दोस्तों पहले हम यहाँ भी जाएंगे, पहले यहाँ जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना पहले वहाँ चलते हैं और वहाँ क्या वहाँ सब कुछ देखते हैं। तो गाइस वहाँ चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मूव गाइस, ये देखो भाई सबसे ज़्यादा फॉरेन क्राउड्स है, बाहर के लोग सबसे ज़्यादा आए हैं भाई इंडिया के अंदर। और ये एक्चुअली टूरिस्टर है, यू कैन से दैट कि भाई ये टूरिस्ट जगह ही है। और ये देखो भाई ये काट के कितना बढ़िया तरीके से सिस्टम पहले से ही होगा दोस्तों, इन्होंने तो नहीं किया होगा बट ये पहले के समय से ऐसे होगा। भाई एंट्रेंस में कुछ इस तरीके का है। तो ये देखो यहाँ में भी लोग भाई इनके सिपाही या जो भी यहाँ पे कुछ इनका सिटिंग एरिया होता होगा। तो भाई अभी चलते हैं इनसाइड। और ये देखो भाई पुराने ज़माने के दरवाजे हैं, इनको रिपेयर किया गया। सी चलो इनसाइड चलते हैं। तो भाई लोग फाइनली अब हम चलते हैं अंदर की साइड। अंदर की साइड यहाँ से हमें सीधा नाक की सीध में जाना है। तो राइट और लेफ्ट में हमारे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिवाते हुए दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं, हट जा गोरे मेरे भाई। तो भाई लोग ये देखो, आ क्या बात है भाई, ये देखो जूम इन करके भाई, ये जो मकबरा है ना ये भाई लाजवाब है कुछ, इसका कुछ भी नहीं हो। और ये देखो भाई राइट और लेफ्ट में क्या हरियाली आपको दिखाते हैं, पूरा विजन देखो भाई क्या धांसू है। ये देखो भाई साहब दूर और दूर और आज हाँ तेरे को बंदर नमस्ते करना जरूरत है, हट। ये देखो भाई लोग क्या जबरदस्त चीज़ें, ओए होए होए होए, तबीयत बंदे के खुश हो, सामने फाउंटेन लगा, ओए होए होए भाई, ठंड का मौसम है। और चलो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से सीधा ऊपर और यहीं से दौड़ते हुए चलेंगे। और ये सामने से सीधी है यहाँ से, अब चलते दौड़ने। तो दोस्तों ये देखो अब हम पहुँच गए ऊपर। तो दोस्तों अब यहाँ का व्यू देखो, ओए होए होए, दिल खुश 100% हो जाएगा आपका। ये जगह इतनी धांसू है ना, घूमने लायक है भाई, मज़ेदार जगह। और इतने जगह में फैली हुई जगह है कि भाई मैं जितना बोलूँगा ना
उतना काम होगा इसके बारे में। भाई मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई इतनी बड़ी बड़ी अंदर से जगह है भाई हुमायूं का मकबरा, और भाई यहाँ से क्या नहीं दिख रहा भाई, क्या ही बताऊँ। तो भाई लोग यहाँ से अंदर जाने के बाद राइट और लेफ्ट में भी कुछ है, वो हम आपको अभी थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे। तो लेकिन दोस्तों उससे पहले हम चलते हैं बिल्कुल सीधा, और ये देखो ये मैंने आपको लेफ्ट दिखाया ना, तो ये दोस्तों अभी दिखाते हैं आपको। दोस्तों सीधा चलते हैं, तो देखो सीधा भाई हुमायूं की कब्र भाई, ये देखो ये है जो अंदर भाई साहब दुनिया पब्लिक देखने आई है स्पेशली। और ये देखो भाई लोग बिल्कुल संगमरमर की तराशा हुआ है भाई लोग, ये देखो ऊपर से नीचे तक, और ये देखो भाई लोग कितना अमेजिंग है। तो भाई बड़ी कितनी मेहनत से ये बनाया गया होगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो भाई सच में बहुत ही मेहनत लगी हुई जिस कारीगर ने भी ये बनाया, तराशा है भाई, बनाया नहीं है इसे। और दोस्तों ये देखो लोग यहाँ बैठ के पब्लिक ही बेसिकली फ़ोटो खिंचवाती है और आगे देखती है, यहाँ सारे बेसिकली एक तरीके का देखते हैं पब्लिक बाहर से आते हैं, और मेन है ये फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर, और बाहर चलो दोस्तों ये देखो कि यहाँ पे यहाँ इंडियन और इसके बाहर जो खड़े हैं सारे फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स हैं, ये देखो फॉरेनर्स। और दोस्तों लेफ्ट चलते हैं, तो ये देखो दोस्तों यहाँ से एक बड़ा पैटर्न बहुत क्लियर बनाया गया जो मैंने नोटिस किया और जो मैंने महसूस किया दोस्तों, वो ये है कि भाई तीन कब्रें हैं, तीनों को किसी तरीके से, अभी देख आपको दिखाऊंगा कि कनेक्ट किया गया है किस तरीके से, कि बीच से कब्र एक निकाल, बीच में कब्र है और दोनों बिल्कुल कनेक्ट हैं। और ये देखो दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से सीधा उसके सामने, वो सामने कब्र देखो कनेक्ट है बिल्कुल, वहाँ से इधर दिखाई देगा। और इवन की एक दो और तीसरी जो कब्र है दोस्तों उसके अंदर भी मकबरा है, उसके अंदर भी ये चीज़ देखना, वो तीनों वो देखो वहाँ से भी दिखाई दे रहा है, वो इधर से भी दिखाई दे रहा है। तो मतलब तीनों को इस तरीके से कनेक्टिविटी दी गई है कि भाई वो देखो मैंने दिखाया ना आपको, ये देखो ये। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, तो बाहर यहाँ से निकलने के बाद भाई यही चीज़ समझ में आई कि भाई तीनों को इस तरीके से नायाब चीज़ से बनाई गई है कि भाई अलग से ही कुछ है। और दोस्तों ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा और अंदर आएंगे तो ये देखो छोटे छोटे कुछ अलग से कमरे भी बना रखे हैं, ये भी वही है, ये तीसरी वाली कब्र है दोस्तों, ये अलग, ये देखना यहाँ से भी इसी तरीके से बनाई गई है, ये देखो वहाँ से वो भी नज़र आ रहा है, देख रहे हो दोस्तों साथियों। तो ये बड़ी अलग से बड़ी कारीगरी अपने आप में, बड़ी हिम्मत की बात है भाई लोग। और ये देखो ये भी सेम उसी तरीके का पैटर्न है। तो भाई चलो चलते हैं यहाँ से, और ये चीज़ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई ये देखो यहाँ पे मे बी कुछ देख रेख के कारण जो पुराने ज़माने में रखा जाता होगा, तो उस तरीके से यहाँ से जाली वाली लगा के बनाया गया। तो चलो दोस्तों अब साथियों बाहर निकलते हैं, और ये देखो कुछ इस तरीके का व्यू बाहर का होने वाला है। तीनों हम ये भी लेफ्ट से गए थे, अब हम चलते हैं राइट यहाँ से बाहर।